हेलो दोस्तों, आज आपके एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अपने खेत में आया हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम गोबर के उपले कैसे बनाते हैं। दोस्तों, गोबर के उपले बहुत ज़्यादा काम आते हैं, चूल्हा जलाने के काम आते हैं दोस्तों, रोटी पकाने के काम आते हैं, पानी गर्म करने के काम आते हैं, और दोस्तों जो जैसे अभी ठंड आ गई है, ठंड के मौसम में हाथ सेकने के काम आते हैं। दोस्तों, आपको मैं सारी विधि दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं दोस्तों गोबर के उपले। इसका दोस्तों बहुत फ़ायदा है, इसके आग में हाथ सेकते हैं दोस्तों, रोटी पकाते हैं, सब दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर लाए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए। देखो दोस्तों, ये यहाँ पर गोबर पड़ा है दोस्तों, इसको मिला लिया है। अब इसके उपले बनाते हैं दोस्तों, वो भी दिखाते हैं आपको कैसे बनते हैं उपले। पहले गोबर को मिलाया जाता है, फिर इसके उपले बनाए जाते हैं दोस्तों। अभी दिखाते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं हम गोबर के उपले। ये देखो दोस्तों, गोबर के उपले बना रहे हैं। ये देखो दोस्तों, अभी ये देखो दोस्तों, पहले गोबर को मिलाया, अब इसके उपले बनाए जा रहे हैं दोस्तों। गोबर के उपले दोस्तों, पहले गोबर थोड़ा पानी डाला जिससे थोड़ा नॉर्मल हो जाए दोस्तों, थोड़ा नरम हो जाए, जिससे कि उपले दोस्तों बहुत बढ़िया बनते हैं गोबर के। तो गोबर के उपले बहुत ज्यादा काम आते हैं दोस्तों, हाथ सेकने के, रोटी पकाने के, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम आते हैं दोस्तों। बहुत सस्ते पड़ते हैं दोस्तों, ये गैस की बजाय, बिजली बजाय बहुत सस्ते पड़े हैं दोस्तों, बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी बहुत काम आते हैं। देखो दोस्तों, गोबर को मिला रहे हैं पानी डालकर। देखो दोस्तों, गोबर को मिला लिया है पानी डालकर, और उपले इसके बाद में उपले बनाएंगे। देखो दोस्तों, उपले बना लिए हैं इसके। देखो दोस्तों, बहुत सारे उपले हैं भाई। देखो दोस्तों, ये बना रखे हैं गोबर के उपले। देखो दोस्तों, गोबर उपले बना रखे हैं, काफी जगह बना रखे हैं दोस्तों गोबर उपले। देखो दोस्तों, ये बना रखे हैं गोबर के उपले। देखो दोस्तों, यहाँ पर बना रखे हैं गोबर के उपले दोस्तों, बहुत ज्यादा काम आते हैं, जैसे सर्दियों में सेकने काम आते हैं, और दोस्तों रोटी पकाने के काम आते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम आते हैं, कंपनियों में काम आते हैं दोस्तों। बहुत सस्ते पड़ते हैं दोस्तों, बिजली की बजाय, गैस की बजाय। गाँव में दोस्तों बहुत बनाते हैं, शहरों में दोस्तों नहीं बनाते होंगे, लेकिन गाँव में बहुत काम क्या काम आते हैं, शहरों को मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन गांव में बहुत काम आते हैं। भैंस और गोबर से, गाय के गोबर से बनते हैं दोस्तों, इसमें रखते हैं दोस्तों, इनको बना बना करके सूखने के बाद इसके अंदर रख देते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं बिटोड़ा। जो गांव में रहते हैं उनको तो पता होगा बिटोड़ा क्या होता है, इसके अंदर रखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, दो बटोड़े होते हैं दोस्तों, छोटे हैं दोस्तों थोड़े, इनके अंदर भी उपले भरे हुए हैं। देखो दोस्तों, वो पानी डाल रहे हैं वो उस गोबर के अंदर, जिसे थोड़ा नरम हो जाए और अच्छे उपले बने। दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया उपले कैसे बनते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ सूख रहे हैं उपले, यहाँ पर थोड़े दिन सूख जाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा आपको खेत में दिखा देते हैं, खेत में आए हूँ मैं दोस्तों। देखो दोस्तों, खेत, ये गोबर दोस्तों, इससे खार ही बनता है गोबर का। देखो, खार बन रहा है, खेत में डाल रखा है, इससे बड़े बड़े खार बनता है। देखो दोस्तों, धूप में पड़े हैं और सूख गए हैं दोस्तों, सूख रहे हैं, सूखने के बाद सख्त हो जाते हैं, तब इनकी आग जलती है। ये देखो दोस्तों, एक थोड़ा खेत का नज़ारा दिखा देते हैं। देखो, फसल पक चुकी है दोस्तों, अब कटने वाली है, ये भी आपको दिखाएंगे फसल कैसे कटती है, आने वाली वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों आपको फसल कैसे कटती है। देखो दोस्तों, खेत में पानी भर रखा है। ये देखो तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।